नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। झांसी जिले के रानीपुर नगर पंचायत के निकटवर्ती ग्राम देवरी सेला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रानीपुर के मोहल्ला देवरी में एक देवर ने ही अपनी भाभी को हवस का शिकार बना डाला। श्रीमती सरोज ने जो घटनाक्रम बताया वो कुछ इस तरह है, जरा आप भी सुने। महिला ने अपने देवर के विरुद्ध रानीपुर चौकी व थाना मऊरानीपुर में लिखित शिकायत पत्र देकर आरोपी देवर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग पुलिस क्षेत्राधिकारी से भी की है। पीड़िता के दो मासूम बच्चे आरोपी द्वारा किए गए अपनी मां के साथ कुकर्म से दहशत जदा हैं। महिला के पति के मौके पर आ जाने पर युवक शस्त्र प्रदर्शन करता हुआ भागने में सफल रहा। हालांकि आरोपी द्वारा राजीनामा करने का दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। अब सभी को इंतजार है तो बस पुलिसिया कार्रवाई का। ऐसे दरिंदे के खिलाफ पुलिस क्या रवैया अख्तियार करती है, यही देखना बाकी है। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? कौन थे जी आपके, ये कौन है? तो बेटा क्या घट रहा हो, क्या देखा था तुमने? जब मैं ट्यूशन पढ़ के गया था तो मैंने कुंडी खटखटाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैं रोने लगा। मम्मी आई, फिर दरवाजा खोला, जब तक मैं अंदर गया वह पाइप पे चढ़ गया, इतने में हवाई आ गया। अच्छा, तो तुमने देखा था उसको? हाँ। कौन था वो? बड़ा उसका चाचा कलर का। बेटा तुमने भी क्या देखा था, तुम भी थे साथ में भैया के? हम बाद में पहुंचे थे। अच्छा, देखा था। तुमने देखा था चाचा कलर का? मैं आपका रामपाल। ये कौन थी आपकी? ये मेरी पत्नी है। क्या घटना हुई? ये घटना लगभग है तो पुरानी, वही 7 महीने के लगभग हुआ है। तो उस समय ऐसा है कि उन्होंने मतलब दबाया था पिताजी ने उनके, और मार भी दिया था और समझाया था, तब से वो बोला नहीं। लेकिन अब कल शाम को उसने उसकी शिकायत तो की होगी? शिकायत की थी उसकी, कापी आज भी हमारे पास है, और हमने मऊरानीपुर की थी, रानीपुर भी की थी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी आज से आज फिर शाम को उसने मतलब उसको ये छूट मिल गई कि कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो उसने दबाया शाम को फिर हरकत की। और ये लोग वहीं बेड़ा पे गई थी जहाँ पहले घटना हो चुकी, और गोबर वगैरह डाल रही थी, तो फिर आ गया वो। इतने में हमारे बच्चे वगैरह इन्होंने चिल्लाया, तब बच्चे ने सुन लिया वहाँ, और मैं वहाँ गया, और इतने में जब देखा उसने कि ये लोग आ गए, तो कट्टा सीने पे रखा था, छेड़खानी कर रहा था, और जब हम लोग पहुँचे तब वो छूट छाड़ के भाग गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। वो कह रहा था अगर कोई पुलिस वाले से या किसी शिकायत की गाँव मोहल्ले में, तो हम तुमको गोली मार देंगे और बच्चों को भी मार देंगे। क्या नाम है आपका? सरोज है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? देवरी रानीपुर। अच्छा, तो क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ, हम अपने बेड़े गए थे, मतलब जहाँ पर बेला बनते हैं, तो वहाँ पर गए थे बेला बांधने के लिए। गोबर डालने गए सुबह 10 बजे के लगभग, और फिर हम गए गोबर डाल, फिर बचने में वो हीरा लाल गए पीछे से, उसने कुंदी लगा दी अंदर से, वो साथ में कट्टा भी लाए तो दवा भी लाए, तो फिर नहीं हमने कहा मतलब वो हमें पकड़ने लगा, हमने कहा क्या कर रहे हैं, तो फिर उसने कहा जो हम कहें वो कहो, नतना हम वो कट्टा मार दें और दवा भी पिला दें, तुम भी मारो हम भी मारें। इतने में फिर हमारे दोनों बच्चे भी आए, इतने में उन्होंने हमसे उल्टी सीधी बात कही, हमारे साथ जबरदस्ती की, छेड़ाछाई कही, पटक दिया, और मतलब गलत काम भी किया उसने। और फिर हमारे दोनों बच्चे भी आए, अंदर से कुंदी लगी थी तो दोनों बच्चों ने कुंदी बजाई, तो हमने कहा कि हमारे बच्चे मतलब कोई द्वार पर खड़ा है, तो हम खूब चिल्लाने खूब तेज से, मतलब यानी हल्ला किया, रोया, दुख गया था वो। फिर हमारे बच्चे आए, इतने में हमने कुंदी खोलने के लिए छूट के वहाँ से भाग गए, फिर इतने में बच्चे आए तो हमने कुंदी खोली, जब तक वो वहाँ पाइप रखी थी रैक पर, तो उस पर चढ़ गया था। ये कब की घटना है? जाए 7 महीने पहले की। अच्छा, अब ताजी घटना क्या हुई आपके साथ? ताजी घटना कल शाम को हम लोग गए थे वहाँ पे, तो फिर वो फिर से हमारे साथ छेड़ाछाई गई उसने, हाथ पांव चलाए, फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश की, कट्टा तो साथ में लाए ही रहता है,
और जहाँ पर घूमता है कट्टा साथ में चलता है उसका। और फिर हम वहाँ से छूट के भागे तो हम चिल्लाने खूब कष्ट से चिल्लाने, फिर हम आप इतने में बच्चे भी आ गए और पति भी आ गए। तो फिर वो बोले क्या हुआ, हमने कहा कि जो हमें छेड़ा छाई कर रहा है हमारे साथ, तो हमने चिल्लाया, वो आए तो वो इतने में दौड़ के भाग गया।